आपको बता दें कि ओबीसी महासभा के नेतृत्व में विगत दो वर्ष पूर्व 5 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश के चयनित शिक्षकों की भर्ती को लेकर जिला मुख्यालय बालाघाट में उग्र आंदोलन का शंखनाद किया गया था, जिसका असर भोपाल एवं जबलपुर में भी देखा गया। वहां पर भी ऐतिहासिक आंदोलन किया गया था। इस आंदोलन में ओबीसी नेता सौरभ लोधी घायल भी हुए थे। आप भी देखिए क्या है पूरे मामला। बता दें कि ओबीसी महासभा की ओर से ओबीसी नेता सौरभ लोधी के नेतृत्व में बालाघाट जिले में दर्जनों बार आंदोलन किए गए। साथ ही पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरी शंकर विसैन को ज्ञापन देने के साथ उनके आवास का घेराव भी ओबीसी महासभा द्वारा किया गया था। इसके अलावा भोपाल जबलपुर में लाठीचार्ज में बालाघाट जिले के ओबीसी नेता सौरभ लोधी को भी गंभीर चोटें आई थी। सरकार के खिलाफ लगातार हो रहे आंदोलन से सरकार ने घबरा कर लगभग 30,000 चयनित अभ्यर्थियों को आखिरकार नौकरी दे दी है। उक्त उग्र आंदोलन का असर सीधे शासन पर पड़ा। ओबीसी महासभा द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को स्वीकार करते हुए शासन द्वारा मध्य प्रदेश में 30,000 शिक्षकों को जहां नियुक्ति मिली, वहीं 400 शिक्षकों की पद स्थापना बालाघाट जिले में भी की गई। ओबीसी महासभा के बैनर तले 5 सितंबर 2020 को शिक्षक भर्ती के जिला मुख्यालय में उग्र आंदोलन किया गया, जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा 12 आंदोलनकारियों पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीवृत किया गया था। कल 23 नवंबर 2022 को सभी आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी के पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा सौरभ लोधी, राजेश मरार, कटंगी विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता इंजीनियर प्रशांत मेश्राम, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी छात्र मोर्चा हेमंत साहू, जुनैद खान के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। जी भी बताया, कल 12 लोगों को माननीय न्यायालय ने जमानत दी है। क्या था पूरा मामला और कब यह अपराध पंजीबद्ध हुआ था आप लोगों के ऊपर? वर्ष 2011 के पश्चात 2018 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश में 40,000 से 45,000 शिक्षित युवाओं का चयन किया गया था। लेकिन 2018 के पश्चात 2020 तक उन चयनित शिक्षकों को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी, जिसके कारण सभी जो चयनित शिक्षक थे उन्होंने ओबीसी महासभा के नेतृत्व में संपूर्ण बालाघाट जिले के छात्रों ने, युवाओं ने और शिक्षकों ने मिलकर 5 सितंबर 2020 को एक उग्र आंदोलन किया था, जिसके कारण उक्त आंदोलन में राजनीति दुर्भावनावश हमारा बालाघाट जिला प्रशासन द्वारा हम पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें नामचीन 12 लोगों पर अपराध पंजीबद्ध किया था। कल माननीय न्यायालय द्वारा चालान पेश करने के पश्चात सभी 12 साथियों को जमानत पर रिहा किया है। आगे क्या रणनीति रहेंगी आपकी? जब भी इस तरीके से कभी भी शोषित हो, पीड़ित हो, युवा हो, छात्र हो, किसान हो, मजदूर हो, आम जनता हो, सभी के वर्गों की लड़ाई सतत रूप से ओबीसी महासभा लड़ते आई है। हम इस प्रकार की किसी भी कार्रवाई से, जिला प्रशासन की कार्रवाई से नहीं डरेंगे। आगे भी इसी तरीके से सड़क पर उतर कर संघर्ष करते रहेंगे। आपका परिचय बता दें। मैं सौरभ लोधी, ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष बालाघाट। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए बालाघाट जिले से संजय अजीत की रिपोर्ट।